from the important questions from the chapter Quadrilateral. तो Quadrilateral chapter से 2020-21 के लिए जो सबसे important question के हम लोगों को discuss करने जा रहे हैं। तो जो ये first question ये लिखा हुआ है, तो समझ लेते हैं पहले इस question में क्या बताया जा रहा है। If a 5, -1, b -3, -12, c -1, 8 are the vertices of triangle ABC. That means triangle के vertices आपको बता दिए गए हैं। Find the length of median. देखो आपको find out करना है first median और तो a मतलब that means point A से median draw किया जाएगा and the quadrant of the centroid. चलिए इसका कुछ diagram हम लोग बना के देखेंगे। Question इसमें करना क्या है? आप देखिए ट्रायंगल एबीसी आपने बना लिया। ट्रायंगल ए के जो वर्टेक्सेस हैं इसको यहाँ लिखे 5, -1, बी है -3, -2 और सी है -1, 8। ठीक है, और वर्टेक्स ए से एक मीडियम हम ड्रॉ करेंगे। ये मीडियम है जो कि पॉइंट बी बी सी को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो लेंथ ऑफ मीडियम बताना है और उसके बाद इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड भी बताना है। तो आपको पता है जो सेंट्रोइड होगा वो मीडियम पे लाई करेगा और मीडियम को 2:1 में क्या कर रहा होगा, वो डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा, जो बी है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, जो बी थ्री पॉइंट है, ये मीडियम क्या कर रहा है, इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। तो दैट मींस इसका रेशियो 1:1 हो गया। बी से डी और बी से सी का जो रेशियो है 1:1 है, बिकॉज बी बी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालना। तो फाइंड आउट द वर्टेक्स ऑफ बी, जो कोऑर्डिनेट होगा डी का, उसका हम लोग सबसे पहले वैल्यू मालूम करेंगे। तो लिख देते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करोगे डी के लिए, तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ हो जाएगा x1 + x2 / 2 क्लियर, कॉमा y1 + y2 / 2 ये हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो उस केस में हम लोग मिड पॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे तो वहां पर भी आप 1:1 लोगे तो सेम थिंग आपको वापस से फिर मिल जाएगा। तो डी कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये x1 ले लो इसको और ये हो जाएगा y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया y। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 और +-1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 है -2 +8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी देखो डी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मालूम चल जाएगा। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अभी -4/2 दैट मींस -2 हो गया और 6 ये हो गया 3। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो जो डी पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है डी, उसका कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है -2, 3। ठीक है, -2, 3 इज द कोऑर्डिनेट फॉर द मिड पॉइंट डी, क्योंकि बीसी का मिड पॉइंट है। क्लियर, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया अगर आपने। अब आपको मालूम करना है कि ए से डी का लेंथ क्या होगा। तो जो मीडियम है, मीडियम का लेंथ निकालने के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस पार्ट को रख कर दे, डी का कोऑर्डिनेट आप समझ गए कैसे निकाला गया है। चलिए अभी हम लोग डी का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ एडी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मीडियम एडी, तो देखिए एडी के लेंथ को फाइंड आउट करना है। यदि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों आपको पता है तो कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब आपको टू पॉइंट्स पता है और उनके बीच का डिस्टेंस मालूम करना है, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम लोग वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में तो एडी होगा वो कैसे लिखा जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होगा, लिख लिया आपने। ठीक है, अब आप देखो इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए। अब इसका x1 y1 x2 y2 लिया तो बता देते हैं, वो तो इसके लिए यूज किया था। अब आप यहाँ पर x1 y1 a के कोऑर्डिनेट को और x2 y2 जो है d के कोऑर्डिनेट को लिख लेंगे। ठीक है,
अब वैल्यू पुट कर लेंगे आप, वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स टू देखो यहाँ पर है माइनस टू और एक्स वन है फाइव, क्लियर होल स्क्वायर। अब वाई टू देख सकते हो यहाँ पर थ्री है थ्री, और वाई वन देखो वहां पर माइनस वन है, और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अभी आपके को इसमें रिजल्ट जो आने वाला है ये माइनस सेवन, दैट मीन्स माइनस सेवन का स्क्वायर 49, और यहाँ से आप देखो ये हो रहा है आपका 4, 4 का स्क्वायर आपने किया तो ये जाएगा 16, क्योंकि अगर ऐड कर लें तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 5, और यहाँ से हो जाएगा 66 हो गया, ठीक है 65, तो रूट में 65 यूनिट, ठीक है रूट में 65 यूनिट क्या आ गया, ये आ गया लेंथ ऑफ मीडियन AD, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना हो तो उसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख भी सकते हैं, करेक्ट। अब आपने लेंथ ऑफ AD निकाल लिया, इसके बाद इस क्वेश्चन में एक बार पूछ रहा है जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, तो जो सेंट्रोइड आपने यहाँ पे डिफाइन किया इस पॉइंट को अगर हम लोग जी ले लें तो सेंट्रोइड को लाई करता है मीडियम पर, और मीडियम को वो 2:1 में डिवाइड करता है, दैट मींस यहां पे सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ये x1 y1 सेम यही रहेगा, x2 y2 ये यही रहेगा, और सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे जिसमें m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 ले लोगे और आपको g जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है वो मिल जाएगा। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये हो गया कि आप इस तरीके से सेंट्रोइड निकाल सकते हो। एक ऑप्शन और है, देखो यहाँ पर सेंट्रोइड निकालने के लिए आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, आपको तीनों पॉइंट पता है, अगर आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला याद है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला याद है तो आप उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला निकालने के लिए आप यूज करते हो x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3, याद आ गया। तो हम लोग सेंट्रोइड को डायरेक्टली इन कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अब आप जिस तरीके से उसको करना चाहें। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो तो यही है सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज कर लें, बिकॉज ए बी सी तीनों ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। और अगर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो तो x1 y1 x2 y2 का रेशियो यहां पर हो जाएगा m रेशियो n पूर्ण 1 हो जाएगा, और सेक्शन फॉर्मूले से हम g कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग करना शुरू करते हैं, ये आपको मिल चुका है कि लेंथ ऑफ द मीडियन है तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, इसको रख कर लें। अभी आप देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है, चलिए सेंट्रोइड का डायरेक्ट वाला फॉर्मूला हम आपको लगा के दिखा देते हैं। तो सेंट्रोइड निकालना है अगर आपको, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, ठीक है ना, क्लियर। अभी आप वैल्यू पुट कर दो, तो देखो यहां पर x1 y1 इसको लिख दिया है, तो चलिए इसको x2 y2 ले लो, और इसको जो है x3 y3 ले लो, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट किसी को कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, आप इसको भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना है, कोई इससे आपको चेंज नहीं होता, कई बार आपको ये रिमाइंड किया गया है, तो इसके परेशान हो कोई, कहीं नहीं यहां से x2 y1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, ठीक। चलिए x1 की वैल्यू देखिए 5 है, x2 की वैल्यू आपने माइनस 3 यहाँ दे रखा है, और x3 की वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 हो रहा है डिवाइडेड बाई 3, y1 की वैल्यू देखिए माइनस 1 है, y2 की वैल्यू है माइनस 2, और y3 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर हो गया माइनस 2, दैट मीन्स 1 आएगा ये, ठीक है 1 आ जाएगा 1 बाई 3, और ये हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस 3 5 दिया जाएगा 5 बाई 3, तो जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 1 बाई 3 और 5 बाई 3 आपको मिल जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जो आपने कंप्लीट कर लिया, इसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना पड़ा, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप बी को यूज किए, बी के लिए आपने बी का कोऑर्डिनेट निकाला बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी यूज हो गया, और अगर आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूले से भी जी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, तो पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, तो ए का कोऑर्डिनेट है 2, बी का कोऑर्डिनेट है 5, -8, सच दैट ए बी अपॉन ए बी, तो देखो जो रेशियो इस बार दिया है वो ए का पॉइंट बी के साथ और फिर ए का होल लेंथ ए बी के साथ में, ठीक है, जो रेशियो है ए बी और ए बी का है, और आपको रेशियो
मालूम होना चाहिए था एपी और पीवी का, तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, 1/3 दे रखा है। इफ पी लाइज ऑन द लाइन, पॉइंट पी है कोऑर्डिनेट जो उसका निकालो, उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट वो इस पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, दैट मींस जो पॉइंट पी है वो इस लाइन पर लाई करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो उसकी एक्स और वाई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, के की वैल्यू पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फिगर बना लें और इसको समझ लें कि ये कैसे हम लोग उसको कंटिन्यू करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ए और बी यहाँ पर आपने लिख लिया, दो वर्टेक्सेस हैं, पॉइंट दे दिया 2, 1 और यहाँ दे दिया 5, -8। ठीक है, 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, अब इसके बीच में कोई पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी इसका जो रेशियो है वो ए पी, दैट मीन्स ए से पी और ए से बी का रेशियो जो है वो 1/3 दे रखा है। तो सबसे पहला काम आप लोग को ये करना होगा कि जो रेशियो है वो ए से पी और पी से बी के बीच होगा, तभी आप उसमें शिक्षण फॉर्मूला यूज करोगे। तो हम लोग को पहले रेशियो निकालना है ए से पी और पी से बी के लिए। तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो बी में है पहले उसको नोट कर लो, ab/ab = 1/3। क्लियर, लिख लिया। अब देखो ab को आप ब्रेक कर सकते हो, ab को ब्रेक करोगे ab+pb में। अब क्यों करोगे, इसलिए किया जाएगा कि हम लोग को रेशियो ab और pb में चाहिए, होल लेंथ ab की हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे, इसकी जगह हम ले सकते हैं ab+pb। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा ab/ab+pb = 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे और एपी और पीबी का रेशियो निकालेंगे, तो PAB = AP + PB। और आप देख सकते हैं ये रेशियो इधर आगे माइनस होगा, ये 2AP = PB हुआ और आप यहाँ पर AP/PB = लिख सकते हो 1/2। क्लियर, यहाँ पे आपने जो रेशियो है सबसे पहले रेशियो को फाइंड आउट किया कि एपी से पीबी का रेशियो क्या होगा और ये रेशियो हो रहा है 1:2। क्लियर, तो mn की वैल्यू आपको मिलेगी। तो सबसे पहले पॉइंट पी का क्वाड्रेंट निकाल लिया है, तो चलिए पॉइंट पी का क्वाड्रेंट निकालेंगे। तो इसके लिए आप पी के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, पॉइंट पी के लिए हो जाएगा mx2 + nx1 / m+n। ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसका होगा my2 + ny1 / m+n। और हमने आपको ये भी संक्षिप्त फॉर्मूले के वीडियो में आप देखिए कि हमने समझाया है कि इस फॉर्मूले को ऐसा कुछ नहीं कि लर्न करना है तभी होगा, आप सिंपली इसके कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले के पैटर्न से आप उसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे फिर से आपको एक बार यहाँ पर समझा दें। सपोज जो पी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, पी 1:2 को डिवाइड कर रहा है, ये जो सेक्शन फॉर्मूला लिख ही दिया, ये x1y का लिया जाएगा, x2y को लिया जाएगा, mn लिया जाएगा, वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा क्वाड्रेंट पी का। बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से नहीं लिखना चाहते तो भी लिख सकते हो। तो पहले y कोऑर्डिनेट के लिए आप लिखोगे तो y कोऑर्डिनेट के लिए ये रेशियो है जिसको आप m लेते हो, तो इसका प्रोडक्ट आप पहले x कोऑर्डिनेट के लिए लिखना है, y पहले x के लिए आपको लिखना है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x जो इसका रेशियो है वो पहले x कोऑर्डिनेट के साथ उसका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 × 5, देख सकते हो आपने क्या किया, 1 का प्रोडक्ट 5 के साथ किया। फिर इसके बाद इस 2 इस सेकेंड रेशियो का इसका प्रोडक्ट भी इसके साथ आप करिए, तो +2 × 2 / 1 + 2 दैट इज सम ऑफ द रेशियो। क्लियर, अच्छा इसके बाद अब आप y कोऑर्डिनेट के लिए लिखोगे, y कोऑर्डिनेट के लिए तो यहां 1 का प्रोडक्ट अब y कोऑर्डिनेट के साथ होंगे, तो 1 - 8 के साथ प्रोडक्ट होगा, तो इसका 1 × 2 - 8 प्लस अब देखो यहां से 2 है, तो 2 जो इसका m रेशियो है n वाला तो वो उसका प्रोडक्ट आप 1 के साथ करोगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 / 1 + 2। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखने में जगह भी दिक्कत हो रही है तो हम लोग उसको x1 y1 x2 y2 को n ले करके और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो भी पी कोऑर्डिनेट सिंपली यही पूरा निकल जाएगा। तो चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखते क्या आता है, ये हो जाएगा 9/3 / और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6/3। तो ये फाइनली जो पी का कोऑर्डिनेट है वो आपको मिल जाएगा p, 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब देखिए जो पॉइंट पी है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, पॉइंट पी आपने निकाला है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, दैट मींस कि पॉइंट पी इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने
पी जो एक्स और वाई की वैल्यू है पी कोऑर्डिनेट में, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वल टू में जीरो आएगा, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट पी सेटिस्फाइड लाइन 2x प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू जीरो। अगर ये पॉइंट पी लाइन पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो दैट मीन्स जो पी का x कोऑर्डिनेट है वो 3 है, इसकी जगह पुट किया जाएगा p का जो y कोऑर्डिनेट है उसको y की जगह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इनटू p प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको आप सिंपलीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 8, तो k की जो वैल्यू है वो आपको -8 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, सबसे पहले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, और उससे पहले भी आपने रेशियो फाइंड आउट किया AP और PB के लिए, AP और PB का रेशियो मिल चुका था। अब आपको इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना था, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया गया, और जब पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया तो ये पॉइंट पी इस लाइन पर लाई करता है, दैट मींस इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, और जब सेटिस्फाई कराया इस पॉइंट पी से इस लाइन को तो k की वैल्यू मिल गई। ये स्टेप जिससे लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।